राज्य सरकार और केंद्र सरकार भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हीं के कर्मचारी भ्रष्टाचार करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है देवेंद्र नगर मंडी में, जहां पर मंडी प्रांगण में दुकानों का निर्माण कराया जाना था। दुकानों के निर्माण कार्य के लिए बिना किसी प्रेस विज्ञप्ति, बिना किसी सूचना के गुपचुप तरीके से इन दुकानों की नीलामी होना शुरू हो गई, जहां पर 14 दुकानों की नीलामी में 20 फॉर्म आ गए, जिस कारण दुकानों की नीलामी की बात खुल गई और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम पन्ना से कर दी। तब एसडीएम पन्ना ने पूरे मामले को समझने के बाद फिलहाल दुकानों की नीलामी निरस्त कर पुनः विज्ञापन निकलने के बाद नियमानुसार दुकानों की नीलामी करने का फरमान जारी किया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंडी स्टाफ द्वारा भ्रष्टाचार करने की नीयत से लोगों से अतिरिक्त पैसा जमा कराए गए, बिना किसी सूचना के दुकान वितरित कर दी। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने एसडीएम से सवाल किए तो पूरे मामले में जवाब देना तो दूर उन्होंने स्पष्ट भी नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय ट्रांसफर उद्योग चला रही है। कहते हैं यह ट्रांसफर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। फिर जब कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी के गृह क्षेत्र में ही भ्रष्टाचार करने के लिए बिना विज्ञप्ति के ही दुकानों की नीलामी की जा रही है, जब कांग्रेस विधायक के गृह क्षेत्र में ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो पूरी गुन्नौर विधानसभा के हाल क्या होंगे? पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सर तो ये कैंसिल हो गई क्या? सर जो नीलामी थी सर कैंसिल हो गई थी या नहीं? आप जाके रहवासी हूँ और यहाँ पे जो मंडी प्रांगण में इस तरह जो दुकानों का निर्माण हुआ मंडी बोर्ड की तरफ से, उसमें कोई निविदा नहीं निकली है, लोगों को पता तक नहीं है, बस केवल खास लोगों को उस बारे में जानकारी थी और उसी उन्हीं लोगों को ये दुकानों का आवंटन दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के नाराज भी हैं, एसडीएम साहब के सामने हम लोग निवेदन करने भी आए हुए हैं, पर जिस तरह का माहौल दिख रहा है एसडीएम साहब के सुनने पर इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है आवेदन लिख के दे दीजिए। मंडियों की दुकानों का इस तरह से वितरण पूरी तरह से धांधलीबाजी समझ में आ रहा है और कहीं ना कहीं मंडी के कर्मचारी और मंडी इंस्पेक्टर पूरी तरह से लिप्त हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपने हितों को साधने के लिए अपने पास के अपने रिश्तेदारों को मंडी की दुकानों का वितरण किया है और इसको लेकर के हम विरोध कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसे निष्पक्ष हो। मंडी की दुकानें विक्रय हेतु कोई निविदा या कोई प्रचार प्रसार? अभी तक कोई भी निविदा नहीं निकली, ना ही कोई प्रचार प्रसार हुआ, केवल मौखिक जानकारी हम लोगों तक पहुंची थी जो कि सत्य थी कि मंडी की दुकानों का वितरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि मंडी की दुकानों की नीलामी नहीं हो रही, हो रही है, पर कम से कम इसकी एक निविदा तो होनी चाहिए थी। यही तो गलत बात हमारे सामने आ रही है। आप एसडीएम साहब से क्या चाहते हैं? मंडी जी, आप एसडीएम साहब से क्या चाहते हैं? एसडीएम साहब से हम चाह रहे हैं कि मंडी की दुकानों का जो विक्रय है या मंडी की दुकानों की नीलामी है वो अभी रोकी जाए कुछ समय के लिए और एक प्रॉपर निविदा निकाली जाए। निविदा निकलने के बाद कम से कम ये होगा कि लोगों को इस बात तक की जानकारी जाएगी और नियमानुसार काम होगा। सुरेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र। मंडी के अंदर कब से? मैं निवासी हूँ, मैं जी मैं यहाँ दुकान लेने का इच्छुक था। ठीक है ना, जब मैं आया तो बोले यहाँ फार्म जमा करिए और इतनी इतनी राशि जमा होगी। तो हमने यहाँ पे पूछा जो यहाँ पे कर्मचारी भैया इसकी तो मतलब समय सीमा क्या है, कितने बजे तक हम पैसा जमा करने, बोले आप नहीं कुछ देर बाद आ जाइए और पैसा जमा कर दीजिए। जब हम पैसा लेके आते हैं थोड़ी देर बाद पुनः, तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि यहाँ पैसा जमा नहीं होगा, रसीद कट चुकी है। अच्छा। है कि नहीं? अब ये मालूम पता नहीं है कि रसीद कल की कट चुकी है कि आज की कट चुकी है। कल ये लोग पैसा नहीं ले रहे थे, आज भी पैसा नहीं ले रहे। हमें तो ये शंका हो रही है कि ये पहले से कुछ लिया गया है और यहाँ पे धांधलीबाजी ये लोग कर रहे हैं। हम ये हो रही थी मंडी की, तो मंडी की दुकान है, किसके माध्यम से और कैसा कहने में थोड़ा सा ये, अब ये तो मंडी बोर्ड जाने है कि नहीं, कोई प्रकार से जानकारी हम लोगों को किसी प्रकार की जानकारी आदमी उसे सुनने में मिली कि यहाँ भैया दुकानें ऐसा ऐसा हो रहा है, उस सूचना को सुनते हम यहाँ पर आए। फिर आपके माध्यम से हमको बोला गया कि भैया आप फार्म लीजिए और ये जमा करिए। हमने फार्म भरा, फिर बोले कि पैसा इतना इतना जमा होना, हम पैसा लेके व्यवस्था करके पैसा लेके आए यहाँ, पैसा उन्होंने जमा नहीं किया, बोले रसीद कट चुकी है। बिना फार्म पहले जिनके जमा थे उनकी रसीद कर, जब इनने कल पैसा नहीं लिया आज पैसा लिया तो कितने बजे पैसा लिया है? कब जमा? आप बताइए, इस संबंध में कोई निविदा आपको मिली थी या मौके नहीं कोई जाने की, केवल जाने एक दूसरे के सुनने के अनुसार कि भैया है ऐसा हो रहा, तो हमने चला भैया अपन भी कोशिश करें, ठीक है ना, आज किराए की दुकान ली है कल अपनी दुकान हो जाएगी। इस साहब आए थे उनसे आपने अपनी ये अभी श्रीमान जी से कोई निवेदन नहीं किया हम लोगों ने, वहाँ अंदर बैठे हैं जो भी जो कुछ हो रहा हो अंदर, हम तो बाहर खड़े, हमारा नंबर ही नहीं लगा है, पैसा ही जमा नहीं हुआ है, क्या कर सकते हैं? फार्म जमा करने की डेट पहले कोई समय सीमा नहीं थी,
कोई समय सीमा पैसा की कि आप इतने हमको समय सीमा देते ना कि भैया 3 बजे तक आप पैसा जमा कर देना, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर हम 3 के बाद आते तो हमारी खुद गलती थी, हम उसको स्वीकार करते हैं। बताइए गलत है बिना किसी सूचना के, हमको मना की भैया फाइल जा चुकी है, नाम बताइए। तो बात क्या नाम कुलदीप प्रोम श्यामा डाणा। हमारा नाम संतोषी है। किस पद पर हैं आप? हम सुसार पुंजीक्षा के पद पर हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मंडी में जो बिकवाली हुई अनाज की, उसकी जो रसीद है वो दुकानदारों के यहाँ जाकर काटी जा रही है, ऐसा आरोप लगता है। आपने एक बार भी फिर भी पूछा था, आज भी कह रहा हूँ कि कोई नहीं काट रही है, वो खड़ा है, उसकी डाक होना है। अभी SDM साहब थे तो उसकी डाक नहीं करवाई, अब डाक करवाऊंगा तो उसकी परेशानी बताई अपनी। मैंने कहा कि आप कमीशन लेती हो, जब किसी को जानकारी दो कि कितने बजे टाइम है, मतलब आपका कि हम 1 बजे से ये बंद करेंगे पैसा का लेन देन या रसीद काटेंगे, जो भी है, कोई सूचना तो आपने रखी नहीं यहाँ। SDM साहब से आपने इस बारे में जानकारी दी? अभी कुछ सूचना नहीं, जब दरबार किया उनने फिर मतलब कहा कि चलो ठीक है आवेदन लिखिए आप, हम इसका निराकरण करते हैं। आपकी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारा रसीद काटे पैसे जमा करो, हम दुकान लेना हमको।